नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। दीवा में कोरोना से ठीक हुए मरीज ने मुंब्रा दीवा वासियों को दिया एक संदेश। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पिछले हफ्ते एक शख्स जिसे कोरोना पॉजिटिव हुआ था दीवा शहर का सिविल हॉस्पिटल में जिसका उपचार किया गया, आज जाकर वो अपने घर पहुँचा बिल्कुल ठीक होकर। कैसे उसका स्वागत किया घर वालों ने और क्या उस पर बीती है, क्या उसके साथ में घटी है घटना, आइए चलते और एक झलक डालते हैं आज की इस विशेष खबर पर। व्हीलचेयर पे पहुंच गया था। ओके। तो व्हीलचेयर से उधर को उन्होंने लोग प्रोसीजर स्टार्ट किया, मेडिसिन दिया, चार दिन में कवर हो गया। 14 दिन के बाद उन्होंने रिपोर्ट लेकर के दो घंटे में निगेटिव आएगा ना, तो फिर वो डिस्चार्ज कर दिया। दो घंटे में निगेटिव आया, पहले पॉजिटिव आया, फिर 14 दिन के बाद निगेटिव आएगा, तो 14 दिन के इसमें क्वारंटाइन पे आप थे सिविल अस्पताल में, वहाँ पे कैसे आपके साथ में व्यवहार हुआ, कैसे आपका उपचार हुआ? अच्छा, ये पूरे जो राज्य में पूरे देश में जो लॉकडाउन हो रहा है उनके लिए आपका क्या संदेश है? सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखने का, हाथ लगाने का, हाथ तुरंत धोने का। और जो लोग रास्ते पे आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो लोग लॉकडाउन को तोड़ के अपने मोहल्ले में अपने गलियों में जो नजर आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? बाहर ना निकले, इससे बचे क्या? एक्चुअली घर पे रहो, साफ सफाई रखो, जिसको ज्यादा घूमने के भी तो बाई चांस हो गया फिर हॉस्पिटल में खुद समझेगा, अपनी फैमिली को लेकर पहुंच जाएगा। आप कुछ बोलेंगे? बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूले।